हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मनुका ओवल कैनबरा के पिच रिपोर्ट के बारे में। इस बार हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे किस तरीके से जो है वो कैनबरा में पिच रिपोर्ट जो है वो बिहेव कर सकता है। और आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यानी कि मनुका ओवल कैनबरा में जो है बहुत सारे बीपीएल के मैचेज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर मैचेज हो सकता है, कैसे सीनरियो जो है वो रहने वाला है और किस तरीके से आप मैचेज देख सकते हो, उसके लिए जो है आप पूरा डिटेल्स जो है वो वीडियो के लास्ट तक देखना। चैनल को जो है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा सा प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है LPL में प्रॉफिट उठा रहे हैं, बाकी जो मैसेज चल रहे हैं वहाँ पर प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, प्रॉफिट उठा सकते हो। और साथ में जो है आप कॉल इंडिया सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड सारे अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आते रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके से जो है ये पिच बिहेव करने वाला। सबसे पहले इस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो इस पिच के बारे में देखोगे तो ये पिच जो है, जैसे कि आप कहोगे कि मेलबर्न का जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है उस तरह का ग्राउंड देखने को मिले, तो वैसा ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा। उससे जो है साइज़ में कंपेयर में आप देखोगे तो थोड़ा सा छोटा जरूर देखने को मिलेगा। ओपन जो है ये काफ़ी पुराना ग्राउंड है, कैपेसिटी भी जो है वो अच्छा खासा कैपेसिटी है। और जब ग्राउंड पूरी तरह चारों तरफ से जब भर जाता है तो एक अच्छा सा जो है वो यहाँ पे इंपैक्ट आप देख सकते हो। और अधिकतर जो यहाँ पे मैचेस थंडर जो है वो खेलते रहता है, सिडनी थंडर। और यहाँ पे जो है किस तरीके से मैचेज होने वाला है तो उसको जो हम लोग एक बार डिटेल से देखते हैं। लेकिन दोनों टीमों में जो यहाँ पे ओपनिंग मैचेज होने वाला है, एक तरह से थंडर और मेलबर्न स्टार को होने वाला है, और दोनों के फैन फॉलोइंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये पीछे जो है बिल्कुल भरा हुआ जो आपको नजर आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेन मुद्दा है कि वो किस तरीके से ग्राउंड बिहेव करने वाला है। तो सबसे पहले ये ग्राउंड देखोगे तो एक तो जो है ग्राउंड जो है वो आपको बैटिंग पिच नज़र आएगा। बाउंड्री एरिया जो है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, और वैसे भी जो इंटरनेशनल मैचेज में होता है उसके कंपेयर में थोड़ा सा जो है यहाँ पे छोटा रखा जाता है। इसके अलावा भी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये फेवर जो है वो बैट्समैन को करता है। एक बहुत ही परफेक्ट ग्राउंड बनता है कि यहाँ पे 180 के आसपास जो है आप स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है कि बाउंसिंग कंडीशन जो है वो रहता है, तो बाउंसिंग कंडीशन जहाँ भी रहता है वहाँ पे जो है पिचेज में थोड़ा सा बाउंस रहता है, जिसकी वजह से जो है आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रन शुरुआत में नहीं बना सकते। शुरुआत में आपको काफ़ी ऐसा जो है वो संभलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप नहीं संभलोगे तो आप जो है अपना विकेट दे सकते हो, और वैसे सिनेरियो में ज़्यादा रन जो है वो नहीं बन पाएगा। तो शुरुआत में बैट्समैन जो भी आएगा उसके सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सबसे पहले जो है वो टीके, दो तीन ओवर जो है वो बहुत ही आराम से खेले। दो तीन ओवर अगर वो रुक जाता है तो बॉल्स का जो बाउंस होता है या जो पिच में जो बाउंस होता है, एक्स्ट्रा बाउंस होता है, वो जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिसके बाद जो है जिसे देख देखोगे 10 ओवर निकलता है, 8 ओवर निकलता है, तो थोड़ा सा जो है वो जो स्पिनर है वो भी जो है इम्पैक्टफुल में आ जाता है। लेकिन जब तक पावर प्लेयर रहता है तब तक आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर बाउंस होते रहा तो फास्ट बॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिल सकता है। लेकिन अगर बाउंड्री छोटी रही तो बाउंसी विकेट पे जो है वो रन भी जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इस सिनेरियो में देखोगे तो आपको बैट्समैन के लिहाज से जो है देखना होगा कि बैट्समैन जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दे सकता है, जैसा सिनेरियो जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो बैट्समैन के सिनेरियो में जो है बैट्समैन अगर जो थोड़ा सा जो है वो एक दो बॉलर रोक के खेलता है, देख के खेलता है, उसके सिनेरियो में जो आप उसको पिक कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा सा जो है वो रन बना सकता है। लेकिन जो आते ही तबाहतोड़ शुरू हो जा सकता है, तो उसके सिनेरियो में दो केसेस हो सकता है कि या तो बहुत ज़्यादा रन बनाएगा या फिर जो है वापस जा सकता है जिस तरह का विकेट है उस सिनेरियो में। तो वैसे सिनेरियो में जो है आपको चांस लेके चलना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है चांसेस ले रहे हो। बॉलर के केस में जो फास्ट बॉलर है वो जो है ऐसे ग्राउंड में बहुत अच्छा चलता है, और इस ग्राउंड पर हमने बाद में भी देखा है जो मीडियम फास्ट बॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होते हैं आफ्टर 10 ओवर के बाद, क्योंकि 10 ओवर के बाद जो है विकेट में जो है बाउंस जो रहता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बॉल जो है वो थोड़ा सा गिरने के बाद जो है वो थोड़ा सा स्लो होकर आता है, स्पॉन्जी टाइप का जो है ग्राउंड कन्वर्ट होते हुए नजर आता है, जिसके चलते जो है यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से जो है वो बाउंस नहीं मिलता लास्ट के जो सिनेरियो होता है उस केस में। स्पिनर को जो है यहाँ पे विकेट जो है वो तभी मिल सकता है कि स्पिनर जो है वो 10 ओवर के बाद यहाँ पे बॉलिंग करे। शुरुआत में जो है बहुत अच्छा बाउंस रहता है इस विकेट पे, और बाउंस होने के कारण जो स्पिनर का होता है एक बिल्कुल परफेक्ट बाउंस जो है वो बैट्समैन के सिनेरियो पे आता है, जहाँ से बहुत अच्छे जो है रन बन सकता है। और वैसे सिनेरियो में ये भी देखना पड़ेगा कि कल का जो बाउंड्री बना रहे हैं वो बाउंड्री कितना बड़ा बना रहे हैं। अगर बाउंड्री बहुत बड़ा बना रहे हैं तो स्पिनर को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, अगर बाउंड्री एरिया जो है थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में जो स्पिनर को उतना ज़्यादा विकेट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे भी सिनेरियो हो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट रन जो है वो थंडर ने बनाया था, वो था 219 रन। लोवेस्ट जो आप देखोगे तो ये जो है 125 रन है जो कि हिट ने बनाया था। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं, जैसे जैसे ये ग्राउंड जो है थोड़ा सा ओल्ड भी होता जाएगा तो बैट्समैन को जो है वो फेवरेबल होता जाएगा, क्योंकि बाउंस जो है जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वैसे जो है बेनिफिट होते जाएगा यहाँ पे बैट्समैन को। तो इसलिए जो है आपको हमेशा ध्यान लेके चलना है कि कैसे जो है कोई भी पिच जो है किस तरीके से बिहेव करता है। और अगर हम यहाँ पे लास्ट के जो है कुछ मैचों की बात करते हैं, तो देखो जैसे इंटरनेशनल मैचेज जो है
लास्ट के जो चार इंटरनेशनल मैचेज हुए हैं उनमें से दो फर्स्ट में जीता है, दो सेकेंड में जीता है, और फर्स्ट पर एवरेज यहाँ पे 152 है। और स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि स्कोरिंग पैटर्न जो है वो 190 से ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मैच में अभी तक जो है लास्ट के चार मैच में नहीं बना है, और जो स्कोरिंग एरिया रहा है 150 से ऊपर ही रहा है, एक मैच में जो है 150 से नीचे बना है। डोमेस्टिक की बात करते हैं तो 19 मैचों में सिर्फ 7 में से जो है फर्स्ट बैच जीता है, 12 में से जो सेकंड बैच जीता है, और ये दर्शाता है कि यहाँ पे शुरुआत में बैटिंग करना जो है उतना आसान होता नहीं है, कि बाउंसिंग विकेट के चलते गिरने के बाद जो है बॉल बहुत ज़्यादा जो है बाउंस करके ऊपर आता है, जिसके चलते जो यहाँ पे विकेट गिरना जो है वो थोड़ा सा लाजमी हो जाता है कि आराम से जो है विकेट गिर सकता है। इसके अलावा एवरेज स्कोर भी देखोगे तो 170 के आसपास है डोमेस्टिक में, जो कि एक अच्छा सा जो है अब एवरेज कर सकते हो इस ग्राउंड के हिसाब से, और हाईएस्ट जो है यहाँ पे 219 है, लोएस्ट जो है 125। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग तो आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न में तो आपको देखने मिलेगा कि 150 से नीचे सिर्फ 4 स्कोर है, और स्कोरिंग एरिया जो है 150 से ऊपर ही जो है ज़्यादा रहता है। 150 से 190 के बीच में आप देखोगे तो टोटल 13 स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि इसका स्कोरिंग एरिया है, और यहाँ पे जो है को जब इस एरिया में मिलेगा तो आप कह सकते हो कि इसी एरिया में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रन देखने को मिलेंगे इस सीनरियो में भी। इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हो कि विनर सेशन इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट उठा सकते हो, जो है व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, और साथ में कॉल पीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।